हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल द गेमिंग मैनिया में। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ आप किसी का भी केआर पबजी के अंदर क्लैन कैसे ज्वाइन करें। अगर आपने किसी का क्लैन ज्वाइन करेगा तो आप उस क्लैन को कैसे हटा के आप अपना कैसे क्लैन ज्वाइन कर सकते हैं, या किसी फ्रेंड का, या आप जो ग्लोबल वाला पहले आपके पास क्लैन था आप उस क्लैन को कैसे ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो में। दोस्तों सबसे पहले तो आपको जाना है यहाँ पर लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड में जो ऊपर एरो है उसमें जाने के बाद यहाँ पर आपको क्लैन वाला नाम नज़र आ जाएगा। आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने वाले आपको यहाँ पर देखिए इन्फॉर्मेशन जाना है। यहाँ पर अगर आपको पहले वाला क्लैन है उसको अगर आपको डिलीट करना है, यानी कि जो मेरा क्लैन है उसके अंदर नहीं जाना, मुझे अपने किसी फ्रेंड के या अपने जो ग्लोबल वाला क्लैन है उसके अंदर जाना है। मुझे यहाँ से सबसे पहले यहाँ से इस क्लैन को यहाँ से इस क्लैन को एग्जिट मारना पड़ेगा। ये आपके पास किसी क्लैन का नाम है तो आप उस क्लैन का नाम से यहाँ से सर्च कर सकते हो। जैसे देखिए मेरे पास मेरे क्लैन का नाम है, मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ बी, उसके बाद सी, ठीक है। उसके बाद मेरे को फिर स्मॉल करना पड़ेगा के वाई बेकी, ठीक। उसके बाद मुझे फिर अब मुझे कैपिटल लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आई, यहाँ पर देखिए ये नाम आ गया बेकी फाइटर, ये वाला क्लैन है। इसके लिए मुझे यहाँ से सर्च पे क्लिक कर देना, लेकिन यहाँ पर देखिए बेकी फाइटर नाम से कोई क्लैन आया नहीं है, जो कि यहाँ पर बेकी फाइटर नाम से ये ग्लोबल क्लैन है इसलिए ये आ नहीं रहा है। नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा नाम है गड़बड़ है इसलिए नहीं आ रहा है। अब आना चाहिए क्लैन, ये देखिए ये आ गया बेकी फाइटर क्लैन। केआर वाले ग्लोबल वाले क्लैन को ज्वाइन नहीं कर सकते, इसलिए आपको कोई भी केआर वाला भी क्लैन ज्वाइन करना पड़ेगा। इसलिए मैं केआर वाले को ये केआर वाला ही क्लैन ज्वाइन कर सकता हूँ, क्योंकि ग्लोबल वाला मैं क्लैन ज्वाइन कर नहीं सकता। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।